लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा था, अभी कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है, 13 मार्च से फिर शुरू होगा। पर जो पहले चरण के तहत सत्र हुआ इसमें दो घटनाक्रम हुए, एक माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, दूसरा वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, चर्चा के दौरान तीन लोगों के भाषण ज्यादा चर्चित हुए। एक राहुल गांधी के, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद बड़ी हुई दाढ़ी के साथ सदन में पहुंचे थे, 45 मिनट का धारा प्रवाह भाषण उन्होंने दिया था। भाषण उन्हें राष्ट्रपति के संदर्भ में देना था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे भाषण को केंद्रित रखा मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के साथ उनके तथाकथित रूप से गौतम अडानी के साथ रिश्ते को लेकर पूरी तरीके से उन्होंने अपनी बातचीत को इसमें केंद्रित रखा। दूसरा चर्चित भाषण था राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में और कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के संदर्भ में, उन्होंने भी कमोबेश इसी प्रकार की बातें कही। और तीसरा भाषण था देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने इन दोनों नेताओं के भाषणों के संदर्भ में एक अजीब किस्म का व्यवहार रखा। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा उसका जिक्र तक प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नहीं किया, पर खड़गे जी को उन्होंने तवज्जो भी दी और खड़गे जी के द्वारा उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में अपनी बात भी कही जो उनके संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन मसला यहीं पे नहीं रुका है, इसके बाद भी तकरार बहुत जारी है। तकरार इसलिए जारी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के तमाम हिस्सों को हटा दिया गया है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है, बात इसके बाद और आगे बढ़ गई है, और आगे इसलिए बढ़ गई है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और एक अन्य सांसद के द्वारा राहुल गांधी के दिए गए भाषण को लेकर आपत्ति जताई गई और उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस के संदर्भ में कार्रवाई के लिए लोकसभा सचिवालय को लिखा गया। लोकसभा सचिवालय ने इस संदर्भ में राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है और 15 फरवरी तक उनसे जवाब देने के लिए कहा गया है। अब इस मसले पर ही पूरी राजनीति चल रही है। राहुल गांधी जो सदन के अंदर बोले बाहर भी बोल रहे हैं, वो अभी वायनाड में थे, वायनाड में भी उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, प्रधानमंत्री मोदी से डरने वाला सबसे आखिरी आदमी मैं हूंगा, मैंने जो बात कही है जिम्मेदारी के साथ कही है, जो आपत्तियां लगाई गई हैं उनके संदर्भ में मैंने सबूत सहित अपनी बात लोकसभा अध्यक्ष को भेजी है, फिर भी मेरी बातचीत को हटा दिया गया है। राज्यसभा के अंतर्गत अलग हंगामा चला, हंगामा इस बात को लेकर चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सदन सरकार के दबाव में संचालित हो रहा है, सरकार के दबाव में सदन की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के तौर पर संसद है, उस संसद की निष्पक्षता को लेकर सवाल है, संसद में होने वाली बहस में से क्या रहे क्या न रहे इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत है, विपक्ष का कहना है उसके द्वारा जनहित में उठाए गए मुद्दों को जानबूझकर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा है। तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सियासत में जो कुछ भी घट रहा है, क्यों घट रहा है और इस घटने के नतीजे क्या हो सकते हैं, इसे समझने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारी सारी चिंताएं लोकतंत्र को लेकर रहती है, प्रजातंत्र को लेकर रहती हैं, और इसी संदर्भ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कुछ कहा था, वो आपसे साझा करते हैं। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब स्थानीय संस्थाओं जनता के विचारों इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जयप्रकाश नारायण ने जो बात कही थी क्या वो सियासत में इस समय कहीं दिखाई देती है, इस पर हम विचार करें और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मध्यप्रदेश भाजपा के पूर्व सांसद हैं। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं, और साथ ही जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी के साथ ही रहे हैं श्रवण जी एक समय पे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले तीन बयान सुनेंगे। एक बयान हमारे पास खड़गे जी का है, दूसरा बयान देश के गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक इंटरव्यू के माध्यम से तमाम बातें कही है वो है, और उस इंटरव्यू पे कांग्रेस का पक्ष रखा है मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने, क्या कुछ उन्होंने कहा है? एक बार दृष्टि डालते हैं इन तीनों बयानों पर और फिर सुरेंद्र राजपूत जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, यू हैव गिवन अ चांस टू मी टू स्पीक। आई राइज टुडे विद अ हेवी हार्ट एक्सप्रेसिंग माय एनजॉयस ओवर द going away in which the parliamentary traditions and rules of procedure
the undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks from the President of the Lok Sabha. Unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government, and government always they wanted to suspend. One second. The House could listen to her. Leader of the opposition, I request you. You took the floor, and you have indicated in so many words that the chair is acting under the pressure. These are expunged. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. No, sir. Sorry. Sorry. Sorry, sir. No. No. कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की. सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है. इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूं. मैं तो मानता हूं कि जनता सब कुछ देख रही है. ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं. गृह मंत्री ने जो कहा है कि सरकार के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है अडानी के मामले में, अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, तो हम पूछना चाहते हैं कि जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी की मांग से न केवल भाग रहे हैं पर उसका जिक्र भी करना नहीं देते हैं हमें संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में. और जो कोई, जब कोई राहुल जी ने लोकसभा में, खड़गे जी ने राज्यसभा में और कई हमारे वक्ता दोनों सदनों में जब ये मामला उठाया, जेपीसी का मामला, उनको एक्सपंज किया गया. तो अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग आप स्वीकारिए. तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी. सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस संदर्भ में वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत नाराज है कि कांग्रेस के नेता और विशेषकर राहुल गांधी बेबुनियाद, तथ्यहीन, आधारहीन आरोप लगाकर प्रधानमंत्री की छवि को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते हैं. पर इस बार भाजपा इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया हुआ है. सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं. सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहता हूं, इससे ज्यादा बेहतर दृश्य तो वार्ड की सभाओं में दिख जाते हैं. कम से कम लोग बोलते हैं, जनता सुन लेती है. ये क्या सदन के अंदर बना रखा है? एक नेता बोलता है, बाकी सारे कोशिश करते हैं कि उसकी बोली हुई आवाज कोई उसके कान तक ही ना पहुंच जाए. थोड़ा रोशनी दीजिए इस ताजे घटनाक्रम के संदर्भ में, क्या सोचते हैं आप? हिमांशु भाई, आप भी एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपने भी तमाम लोकसभाएं विधानसभाएं देखी हैं, चिंतामणि जी भी सदन में रहे हैं, भले बड़े इंसान हैं, भले ही हमारे विरोधी दल में हैं. देवेंद्र वर्मा जी, श्रवण गर्ग साहब को तो हम लोग पढ़ पढ़ करके बड़े हुए. देवेंद्र वर्मा जी कानून के जानकार हैं विधानसभा के. आप हमको कोई एक दो चार पांच स्टांस बताइए जब सत्ताधारी दल के लोग मतलब शोर मचाएं, विधान के नाम लोकसभा में हूटिंग करें और विपक्ष के लोग कहें कि हमें कार्रवाई में बोलने दो, भाग लेने दो. भाई ये विपक्ष करता है समझ में आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो चाहे कांग्रेस विपक्ष में जी. लेकिन ये आपको नहीं लग रहा है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है मोदी मोदी मोदी, जैसे इनका बीपी हाई होकर के गले की नस ना फट जाए, ऐसी ही लोग बातें करते हैं आपके सामने. और क्यों कर रहे हैं कि एक 80 साल का वयोवृद्ध कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का अध्यक्ष, चेयर सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी को उजागर कर रहा है, दबाव को भी उजागर कर रहा है और इनके अनहोली नेक्सस को भी उजागर कर रहा है. इसलिए ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं और इस हंगामे के पीछे लोकतंत्र को धमकी तंत्र में बदलने की साजिश है. बहुत साफ सी बात है एकदम, लोकतंत्र को धमकी तंत्र में, भीड़ तंत्र में, बहुमत के अभिमान में बदला जा रहा है और यह लगातार इनकी कोशिश जारी है 2014 से.
2019 में चुनाव जीतने के बाद ये अभिमत के बहुमत के इतने अभिमान और अहंकार में आ गए हैं कि ये सीना ठोकने नहीं लगे, अब सीना पीटने लगे हैं। हमने सीना ठोकने को हम हमेशा मर्दानगी मानते थे, सीना कैसे पीटा जाता है वो आपके सामने, मोदी जी ने सीना पीटा ही था आपके सामने है। हम आपसे कुछ बुनियादी प्रश्न करना चाहते हैं। हमारा हम विपक्ष में है, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, हमारे पास कोई संस्था नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। हम आरोप के लिए प्रमाण जो हमारे पास उपलब्ध होंगे, चाहे वो अखबार के जरिए हो, चाहे डिजिटल मीडिया के जरिए हो, चाहे किसी और जरिए हो, वही तो हम लाएंगे। अब उस पर जब जांच होगी तब उस जांच के आधार पर आरोप में जो प्रमाण होंगे या नहीं होंगे, अगर हम झूठे होंगे तो जांच एजेंसी कहेगी कि साहब आप झूठे, अगर वो झूठे होंगे तो जांच एजेंसी कहेंगी ये प्रमाण है। जैसे बफोर्स में एक रेडियो के जरिए आरोप लगे थे, जेपीसी बैठी थी भारतीय जनता पार्टी के और इन सारे लोगों के दबाव में बैठी थी, हमने दबाव माना था चूंकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं जी, और उसके उस वक्त भी कोई ऐसा प्रमाण तो बीबीसी क्या नाम बीजेपी ने नहीं दिया था, जनता दल ने नहीं दिया था, या किसी लेफ्टिस्ट ने नहीं दिया, कोई प्रमाण तो नहीं दिया था ना किसी ने तभी तो, लेकिन हमने जेपीसी बैठाई ना। तो अब हमको ये बता दीजिए कि हम जब जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो ये सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे प्रमाण लाओ। अच्छा एक बात सुरेंद्र जी, बीच में रोकता हूं, आदमी अनुभव से सीखता है। बोफोर्स में आपने जेपीसी बनाई और उसके बाद आपकी क्या हालत हुई ये इतिहास के पन्नों में दिखता है। अगर इस बात को बाकी राजनीतिक दल समझ गए सुरेंद्र राजपूत जी, तो अब इसके लिए क्या कहें भाई, आपने जेपीसी बनाई तो उसके एवज में आपको हासिल क्या हुआ? कुल मिला के आप सत्ता से बेदखल हुए, दागदार रहे, कितने 15 साल 20 साल तक उन आरोपों की जद में ही रहा ना, एक तो सवाल है। दूसरा ये कि आपके आरोप क्या, राहुल गांधी देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के अध्यक्ष रहे, कई बार के सांसद भी हैं, अब वो लोकसभा में एक चित्र लेकर दिखाएं और ये पूछें कि बताइए ये चित्र है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो सवाल उठेगा भाई गौतम अडानी इस देश का बड़े उद्योगपति हैं और उनके साथ में अगर नरेंद्र मोदी की फोटो है तो अपराध हो गया, और ऐसे फोटो कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ भी मौजूद हैं। जो सवाल राहुल गांधी ने सदन में पूछा मोदी जी के साथ उनके फोटो को लेकर, अब भाजपा चौराहे चौराहे पर कांग्रेसियों के साथ वो फोटो दिखा के पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहेंगे आप? दोनों सवालों का उत्तर चाहिए। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं, चूंकि आप बहुत ही सभ्य और प्रतिष्ठित वो है, और श्रवण जी भी यहां बैठे हुए हैं। मैं आपसे, हमने लोकतंत्र की जीत को अपनी जीत से ऊपर समझा, हमने संविधान को और लोकतंत्र में जो हमारे पास बहुमत था, लेकिन बहुमत का हमने अभिमान नहीं किया, लोकतंत्र का अभिमान किया, संविधान का मान रखा और विपक्ष की आवाज का मान रखा, और उसमें हमें नुकसान हो गया लेकिन लोकतंत्र और संविधान तो बच गया ना, तो ये क्या हमने गलत किया? हमने हार स्वीकार की लेकिन लोकतंत्र को जिताया, ये हमने, हमें कोई रिग्रेट नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटोरियल अपना वो रखना चाहती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में है। हम संविधान के हक में थे, हमने हार स्वीकार की लेकिन संविधान को जिताया, लोकतंत्र को जिताया। तो पहली बात का तो जवाब आपकी ये हो गया, बाकी फैसला आपको करना है, श्रवण जी और देवेंद्र जी को करना जी। दूसरी बात आपने कही कि क्या राहुल गांधी ने वो फोटो का कैप्शन कितनी देर रहा, मात्र 30 सेकंड भी नहीं रहा, 15 सेकंड या 10 सेकंड रहा जी। उसके पहले और उसके बाद राहुल गांधी जी ने 53 मिनट का भाषण दिया जी। उस 53 मिनट के एक एक बिंदु को आप उठाइए जिसमें उन्होंने कहा कि गौतम अडानी साहब 609 नंबर के बिजनेसमैन थे, दो नंबर के बिजनेसमैन हो गए, हमारी इकोनॉमी 34 लाख करोड़ की थी, हमारी इकोनॉमी कुल जमा पूंजी 41 लाख करोड़ की हुई, 8 लाख करोड़ बढ़ी, और गौतम अडानी की इकोनॉमी बढ़ी 50,000 मार्केट कैप से 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप, यानी 41 गुने के आसपास। क्या इसी हिसाब से उनका इनकम टैक्स भी बढ़ा? क्या क्या अगर हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि उनके यहां पैसों का जो शेल कंपनियों के जरिए पैसे आ रहे हैं 6 है 60 है 40 है, हमारे पास तो जानकारी नहीं, वो पैसे कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और रूट से हो, या अडानी के पोर्ट पे कितने अरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, ये सारी चीजें अगर एक जांच हो जाए तो क्या बुरा है। तीसरी चीज, हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी और आपने कहा कि वो तुरंत राष्ट्रवाद के चोले में छुप गए अडानी और तिरंगे के पीछे छुप गए,
हमने क्या कहा, हमने यही तो कहा कि आप जाकर के हिडनबर्ग के खिलाफ जांच कर लो, ताकि दूध का दूध पाने, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ संघर्ष छेड़ रहा है तो ब्रॉट हिम टू द जस्टिस, आप जांच करिए। आपकी जेपीसी है, जेपीसी में आपके संसद सांसद ज्यादा रहेंगे क्योंकि बहुमत आपका है, उसके बाद आप जांच से बाद ही आप जांच से बच रहे हैं। सुनो राजबू जी, विस्तार से दोनों बातों को कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। भले ही हम हार गए पर हमने लोकतंत्र को जीतने दिया। चिंतामणि जी मेरे साथ हैं, क्या कहते हैं चिंतामणि जी, आपके लिए दल की जीत महत्वपूर्ण है या देश की जीत? यह सवाल सुरेंद्र राजपूत जी ने पैदा कर दिया है अपनी दलील से, इसका उत्तर चाहिए। दूसरा, संसद को तो हम लोग यह मानते थे यहां पर सवाल उठते हैं और सरकार उनके जवाब देती है, ये कौन सा नया सिलसिला आप चालू कर रहे हैं? जवाब देने की जरूरत ही क्या है, हम सवालों को ही बाहर कर देते हैं कार्रवाई से, सबसे बेहतर तरीका है। तो ये जो नई परिभाषा लोकतंत्र के संदर्भ में लिखने की कोशिश है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है, इसके संदर्भ में चिंतामणि मालवीय जी, आपका चिंतन, आपकी दृष्टि, आपका तर्क, आपका तथ्य, बेसब्री से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और वहां पर सत्य भाषण, गैर तथ्यात्मक बातें और केवल आरोप के लिए आरोप लगाना, वो इस तरह का मंच नहीं है कि वहां अपनी राजनीति चमकाई जाए। वहां तथ्यों पर बात करते, अगर उनसे नोटिस दिया है तो उनसे यही तो कहा है कि भाई यार प्रमाण दीजिए, तब उनको प्रमाण देना चाहिए।